अच्छी हूँ। बस मैंने एक क्वेरी पूछनी थी। मेरा कजन बोल रहा था, वो अपने सारे वीडियोस देखता है और वो बोल रहा था मुझे ना टेबल्स याद करने की कोई ट्रिक बताओ, अपने सर को बोलो, तो मैं क्या करूँ अब? मैं ना ऐसा करती हूँ, अभी घर जाके पापा को जरूर बोलूंगी कि गेम गेम में हमें टेबल्स भी सिखा दें। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें टेबल्स याद करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन आज की वीडियो को अंत तक देखें और टेबल्स को गेम गेम में याद करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि गुणिका की है दिक्कत, ऐसे ही मेरे पास बहुत अध्यापकों के मैसेज भी आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कोई टेक्निक बताई जाए। जैसे मैंने आपको पहले डॉजिंग टेबल बताई, उसकी वीडियो दिखाई मैंने आपको, और उसके बाद मैंने आपको टेबल सिखाए कैसे हम ने 9 तक के टेबल सिर्फ याद करने हैं, उसके बाद टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। पर वही यहां पर क्वेरी अटकी थी कि 9 तक के टेबल कैसे करें, उसको याद रखने के लिए कुछ पैटर्न हम फॉलो करेंगे, बहुत इजी है, देखना ध्यान से। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपके बच्चे इजीली सीख सकेंगे। जैसे पहले मैं 2 का टेबल कर रहा हूं, 2 एक एक छोड़ के लिखते हैं, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, सभी मैंने इवन नंबर लिख दिए, 2 4 6 8, 8 के बाद कैरी होगा 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, और उसके बाद क्या आएगा 2, क्योंकि 1 जहां पर आ नहीं सकता 10 पहले से हमारे पास मौजूद है। तो 2 का टेबल वेरी इजीली बच्चे सीख भी जाते हैं और याद भी हो जाता है। बस ऐसा भी बोल सकता है कि एक एक छोड़ते हैं, 1 छोड़ा 4 1 1 1 छोड़ रहे हैं और टर्म को छोड़ रहे हैं, अंत तक जो आया वो हमारे पास क्या है 2 का टेबल। और उसके बाद जो टेबल में दिक्कत है ज्यादा, जिसमें पैटर्न ऐसे, तो 3 के टेबल में भी हम इजीली बोल सकते हैं कि 2 2 छोड़ते जाओ, लेकिन बच्चा छोटा है, जैसे हमारा माइंड चल रहा है वैसे उसका नहीं चल रहा, उसके लिए क्या तकनीक बनाएंगे हम, एग्जाम्पल बॉक्स ड्रा कर रहे हैं। बॉक्स में हमने कितने बॉक्स बना दिए आगे छोटे छोटे, 9 बॉक्स बना दिए। टेबल में कितने नंबर होते हैं 10, तो मैं 10 वाला बॉक्स जो मेरा नहीं बना था इसमें मैंने उसको अलग से बना दिया, कुछ नहीं करूंगा, बस गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 का क्या लगा 0। मेरे ख्याल में इतना तो बहुत आसान है ना, ठीक है गुणिका? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, तो उसके बाद क्या लगाना है, बस 0 0 लगाना है, पहली जो भी हमारी लाइन है उसमें क्या लगाना है हमने 0, दूसरी लाइन में क्या लगाना है 1, नेक्स्ट लाइन में क्या लगाना है 2, 0 1 2, 2 के बाद क्या आता है 3, आपके पास 3 का टेबल रेडी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 7 जा 21, 24 27 30। इजीली रब कर दो इसको। यस सर। है ना कितना आसान? यस सर। अभी 4 का टेबल देखिए, इंग्लिश के एम आता है ना सभी को? यस सर। बस एम लिखना है, इंग्लिश के एम सभी को आ रहा है, बस एम लिख देना 2 4 6 8 0, जैसे 2 के टेबल में लिखा था ना 2 4 6 8 0, इसे हम में भी लिख देना 2 4 6 8 0। देखिए बातों ही बातों में टेबल 4 का रेडी हो गया, कैसे 0 लगा दो भाई, इसमें क्या लगा दो 1, एंडिंग है 0 1 1 के बाद क्या लगा दिया 2, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 4, देखिए ना कितना इजी टेबल है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24 28 32 36 40। मैं लिख देता हूँ टेबल एक बार,
देखिए कितना आसान था 4 का टेबल। ऐसे कराएंगे बच्चों को, एक बार उसके मेमोराइज हो गया उसके बाद बच्चा नहीं भूलेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी हम 5 का टेबल कर रहे हैं, इसको अरेंज करते हैं। यस सर। इसको भी हम बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का टेबल काफी आसान है, बच्चे भी इजीली सीख जाते हैं 5 के टेबल में, ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 से स्टार्ट करना है बस। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 बस 0 से स्टार्ट कर देना है। 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 आपको भी मजा आ रहा है, निष्का और विनिका दोनों एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों वाला काम है, प्राइमरी के बच्चे हैं जैसे हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। गांव के बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से वो ऐसे टेबल में कंफ्यूज होते रहते हैं, ऐसे बताएंगे तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ भी लेंगे और सीख भी लेंगे। इसके बाद 6 का टेबल, उसमें क्या करें हम, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है 6 का टेबल। जैसे मैंने 3 के टेबल में बॉक्स बनाया था, ऐसे ही मैं जहां पर बॉक्स बना रहा हूं ठीक है, 9 का 9 वाले बॉक्स बना दिया, एक साइड में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो 10 चाहिए ना। तो 3 का टेबल कैसे लिखा था मैंने, ज्यादा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां पर क्या रहा था 0। फिर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहां पर क्या था 0। बस टेबल बन गया आपका, देखिए 0 1 2 तो जहां पर क्या था 3। 3 से स्टार्ट करें, 3 3 4 4 4 5 5 5 उसके बाद क्या लिखेंगे 6। आप सोच रहे हो कि ये क्या लिख दिया सर ने, इसमें कहीं टेबल तो है नहीं। ध्यान दीजिए, जहां पर मैं क्या लूंगा बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स बन गया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और दोनों कहाँ आ गए 24 6 4 जा 24 और जो नीचे रह गया वो लिख दो भाई 30। उसके बाद क्या आएगा 36 42 फिर कहाँ जा रहा है 48 दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं 54 और अंत में क्या है 60 है ना मजेदार। यस सर। खेल खेल में बच्चा 6 का टेबल सीख जाएगा, 3 का सीख जाएगा, 4 का इस डे आ गया तो 3 का तो उसके पास पहले ही सही है। और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं 7 का टेबल, ऐसा ही ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं 7 के टेबल में भी। ऐसे ही टेबल बनाना है जैसे बॉक्स पहले बनाया था मैंने, 9 बॉक्स हैं तो मेरे को 10 चाहिए। कैसे लिखेंगे अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें जहां से स्टार्ट किया था नीचे वाले बॉक्स में से, इसको कहां से स्टार्ट करना है ऊपर वाले बॉक्स में से। तो आपका टेबल रेडी है, 0 1 2 0 1 2 2 से जहां से 2 छोड़ा, जहां से 2 उठा लिया 2 3 4 अभी जहां पर मैंने क्या छोड़ा 4 से स्टार्टिंग करेंगे 4 5 6 तो जहां पर क्या बच गया 9 के बाद था 0 और 6 के बाद क्या आएगा 7। तो हमारा टेबल रेडी है 7 14 21 28 35 45
42, 49, 56, 63, 70. देखिए कितना इजीली आपका टेबल का जो कंसेप्ट आपके बच्चों को दिक्कत दे रहा था वो भी हो रहा है हमारा। इसके बाद इसको रेज कर रहे हैं, 8 का टेबल लिखेंगे। एट में क्या करना है, काउंटिंग जैसे पहले 2 की लिखी थी मैंने, 8 की लिखेंगे। 8, 6, 4, 2, 0, फिर 8, 6, 4, 2, 0। इवन नंबर को लिख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए नीचे से स्टार्ट कर लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 8, 6, 8। एक एक छोड़ के इवन नंबर लिख रहे हैं और फिर क्या करना है, जहां से स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8। पर जहां पे क्लॉज है कि 4 को रिपीट करना है, ऐसे बच्चों को बता सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया भाई, 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर से 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रेस्ट हो गया यहां पर, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका बन गया 8 का टेबल। आसान है, आगे चलें? यस सर। और उसके बाद हम 9 का टेबल कर रहे हैं। 9 का टेबल वेरी इजी हो जाता है, फिंगर पर भी हो जाता है। बता रहे हैं 9 का टेबल कैसे करेंगे, काउंटिंग तो आती है भाई, रिवर्स लिखनी है बस। ये मैंने रिवर्स काउंटिंग लिख दी और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बस काउंटिंग लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आती है बच्चों को काउंटिंग, जैसे जहां पर लिखा बस इसको उल्टा लिख दिया, तो क्या बन गया हमारे पास 9 का टेबल। 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 9, 5 जा 9, 6 9, 7 जा 9, 8 जा 9, 9 जा और 9, 10 जा। देखिए कितना इजीली जो हमारे टेबल बच्चों के लिए याद करने में परेशानी हो रही थी, उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपकी वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। आगे के लिए वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।